हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना रीना किचन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा एक बहुत ही टेस्टी डिजर्ट है, बनाने में बहुत इजी है, हम इंडियंस इसे बेहद पसंद करते हैं। सर्दी का मौसम हो और हलवा न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए तो शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं हलवा बनाना। चलिए दोस्तों, तो आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान सामग्री चाहिए। तो जैसे हम आप सामने देख रहे हैं कि ये हमारी गाजर है, ये हमने 1 किलो गाजर को धोकर छील कर कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके इस तरह हो गई है, ये 1 किलो गाजर है। इसके साथ हमने 250 ग्राम मावा लिया है, ये हमारा 250 ग्राम मावा है। 250 ग्राम मावे के साथ में हमने 250 ग्राम ही चीनी ली है, यानी कि शुगर 250 ग्राम चीनी है हमारी। 1 छोटा कप हमने दूध लिया है। वैसे दूध की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस हलवे को हम मावे के साथ बना रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा दूध चाहिए तो उसके लिए हमने 1 छोटा सा कप दूध का लिया है। और ये हमारी है इलायची, हमारी हरी इलायची, हमने 4 हरी इलायची ली थी, उन्हें छील कर दानों को हमने पीस लिया है, तो ये इस तरह हो गई हैं। अगर आप चाहें तो रेडीमेड से पिसी हुई इलायची का पाउडर भी मिलता है, आप वो भी ला सकते हैं। ये हमारा देसी घी है, हमें 2 टेबल स्पून देसी घी चाहिए, तो हमने देसी घी को मेल्ट करके रख लिया है। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप जो आपके घर में अवेलेबल हो वो ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश लिए हैं। इन बादाम और काजू को हमने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। चलिए तो इन सामानों के साथ अब हम शुरू करते हैं अपने गाजर का हलवा। चलिए तो हमने गैस अपनी ऑन कर लेनी है। गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई रख लेते हैं, उसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो आप उसमें ये जो हमने गाजर कद्दूकस करी थी, इन गाजरों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। गाजर को हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं, ये सारी गाजर हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब ये गाजर डालने के बाद हम इसमें जो ये हमारा दूध था ये भी डाल देते हैं। एक छोटा कप दूध लिया है हमने, ये गाजर के हलवे में हमने डाल दिया है गाजरों में। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम गैस तेज करके पकने देते हैं। ये देखिए, दूध और गाजर डालने के बाद ये थोड़ी सी पकने लगी है, तो हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी गाजर नरम हुई या नहीं हुई, क्योंकि हमें गाजर को यहाँ पर पकाना है। तो हम इसे ढक देते हैं अपने ढक्कन से और 5 मिनट के बाद देखते हैं खोलकर कि गाजर की क्या कंडीशन है। चलिए तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी गाजर गली है या नहीं गली है। तो अभी हमें लग रहा है कि जैसे हमारी गाजर अभी गली नहीं है, सॉफ्ट हो गई है, पर थोड़ा सा और टाइम चाहिए इसे। चलिए तो इसे बीच बीच में आप मिक्स करते रहिए और चेक करते रहिए कि ये गली है या नहीं। अभी हमारी गाजर नहीं गली है तो इन्हें हम और 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे कि हमारी गाजर हुई या नहीं, क्योंकि हमें अपनी गाजर सॉफ्ट चाहिए, एकदम गली हुई। चलिए तो 5 मिनट बाद फिर चलिए तो हम चेक कर लेते हैं अपने गाजर को एक बार फिर से। तो ये हमने गाजर चेक कर लेनी है, ये गाजर अब हमारी हो चुकी हैं, अलग ही दिख रही हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको हाथ से थोड़ा अलग करके, ठंडा करके ऐसे दबा कर देख सकते हैं कि ये हमारी गाजर गल चुकी हैं। तो ये हमारी गाजर तो गल चुकी हैं। अब हम इसमें अपने चीनी डाल देते हैं। ये जो हमने चीनी ली थी, 250 ग्राम चीनी ली थी, हम सबसे पहले इसी को डालते हैं। एक्चुअली गाजर अपने आप पानी छोड़ता है, ये चीनी डालने के बाद ये एक बार फिर से पानी छोड़ेगा और ये पतला हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से मिला लीजिए चीनी डाल के सारे सामान को। देखिए तो चीनी डालने के बाद ये ऐसे मेल्ट हो गया है और उसमें पानी आ गया, ये आप देख सकते हैं कि ये पानी इसमें आ गया, जबकि हमने ये बिल्कुल पका लिया था, एकदम गल चुकी थी गाजरें। तो ये चीनी डालने के बाद ये पानी आ गया है, तो पहले हम 5 मिनट के लिए तो इसे ढक के पकाएंगे फिर ओपन करके। चलिए तो हम इसे 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। 5 मिनट एक बार फिर से हम इसे ढक के पकाते हैं, 5 मिनट बाद फिर खोलेंगे। चलिए तो अब हम फिर से खोल के देखते हैं कि पानी हमारा चीनी की वजह से ऐसे का ऐसा ही है, थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। अब हम इसे खोल कर पकाएंगे। अभी तक हमने इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया था, अब इसे हम खुला करके ढक्कन हटा के पका लेंगे।
चलिए तो हम ढक्कन हटा के सब 5 मिनट और पकाते हैं, जब तक कि ये पानी सारा गायब ना हो जाए, यानी कि खत्म ना हो जाए। तो चलिए बस हमें 5 सेकंड मुश्किल लगेगी ये पानी जाने में, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, तो थोड़ी देर से खुला पकने देते हैं। एक ये हमारा पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत हल्का हल्का लाइटली रहा है इसमें, तो इतना हमें चाहिए भी। अब थोड़ा सा हम यहाँ अपने गाजर में और चीज़ें ऐड करते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद हमने जो देसी घी लिया था, एक्चुअली उस टाइम पे हमने मेल्ट कर रखा था, लेकिन अभी फिर जम गया है क्योंकि ठंड का मौसम है। तो हम अपना जो हमने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया था, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने देसी घी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने गाजर, दूध, चीनी, देसी घी, ये सब चीज़ें इसके अंदर अब डाल चुके हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा मिलाने के बाद अपना जो हमारा मावा था, अब हमने जो मावा लिया है हम वो भी डाल देते हैं यहीं पे। हमारा 250 ग्राम मावा है, 1 किलो गाजर, 250 ग्राम मावा, 250 ग्राम चीनी थी हमारी। तो ये मावा हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये गाजर गर्म होने की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। एक्चुअली हमने मावा को भून रखा है, अगर आपने मावा नहीं भूना हो, मार्केट से रेडीमेड लेके आए हो, तो आप उसे एक बार फिर भून लीजिएगा, यानी कि उसे फ्राई कर लीजिए लाइट ब्राउन होने तक। तो ये हमने तो अपना मावा भून रखा है, इसलिए हमने डायरेक्ट डाल दिया। अगर आपका ना भुना हुआ हो तो आप भून लीजिएगा। चलिए तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा मावा भी यहाँ पे मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा लगभग तैयार ही हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने बचा हुआ सामान, यानी कि अपनी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये हमारे काजू हैं, थोड़े से हम सारे चीज़ें सजावट के लिए रख लेंगे। ये हमारी किशमिश तो हम सारी यहीं पे डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, तो ये इस गर्माहट की वजह से ही सॉफ्ट हो जाएगी। और ये हमारे थोड़े से हम रख ले रहे हैं अपने हलवे को सजाने के लिए। ये यहाँ पे डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। जो हमारे इलायची पाउडर था, इलायची हमने ली थी, ये हम यहाँ पे इलायची भी अपनी डाल देते हैं। एक्चुअली मैं हरी इलायची इसलिए यूज़ करती हूँ, रेडीमेड कम पसंद करती हूँ, क्योंकि जो इलायची आप छील के पीसेंगे उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो रेडीमेड पाउडर होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप हरी इलायची ही यूज़ करिए। चलिए तो हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, एकदम बनकर बिल्कुल रेडी। तो अब हम करते हैं सर्व और अपना हलवा आपको दिखाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सर्विंग। चलिए तो हम अपने हलवे को सर्व करने के लिए अपना बाउल ले रहे हैं। अपने बाउल के अंदर अपना हलवा जो हमने बनाया है वो डाल रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोग हलवे को गर्म खाना पसंद करते हैं और बहुत लोग ठंडा करके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं, गर्म या ठंडा। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से खाइए। ठंडा खाना चाहते हैं तो फ्रिज में रख के, और गर्म गर्म खाना चाहते हैं तो आप गर्म गर्म हलवा बनने के साथ ही खा सकते हैं। चलिए तो ये हमारा गाजर का हलवा हमने लगा दिया है, इसको हम सजाने के लिए अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं इसके ऊपर। जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा रखे थे थोड़े से, ये हमने वो डाल दिया है। चलिए तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। लीजिए आपका गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार, एकदम रेडी है। लीजिए तो हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है आपके सामने है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही इजी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दी का मौसम है, सर्दी में सब लोग गाजर का हलवा खाना बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि गाजर भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। चलिए तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सजेस्टेड वीडियोस में जाके या मेरे चैनल पे जाके आप मेरे सजेस्टेड वीडियोस और भी देख सकते हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट फ्राइडे के लिए हम न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने एक बार फिर आते हैं। थैंक यू।